प्राइम मिनिस्टर। उमर साहब, कोई आपको एश्योरेंस मिल पाया स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेके राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर? इन दोनों चीजों पे गृह मंत्री साहब ने भी और वजीर आजम साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना, वो चाहते हैं कि दोनों चीजों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। पर इस संबंध में कोई चर्चा है कि गवर्नमेंट इज विलिंग टू होल्ड इलेक्शन? देयर देयर वाज एनी इंडिकेशन दैट दे प्राइम मिनिस्टर हैड इलेक्शन इन हिज माइंड? ना, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमजोरियां रहती हैं जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। देखिए ना, हमने तो और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। वजीर आजम साहब ने इसको कुछ कहा नहीं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पूरे स्टेट में लद्दाख शामिल होगा? अब हमने तो आपसे कहा अगर आप हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते तो उसमें रियासत का बंटवारा भी है। हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाए तो उसमें रियासत के जो दो हिस्से किए गए हैं उस पर भी हम अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। उमर साहब, पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? अब एक मुलाकात से ना दिल की दूरी दूर होगी ना दिल्ली की दूरी होगी कम होगी, लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वजीर आजम साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलत फहमी होगी। डिमिलिटेशन पे कोई डिस्कशन हुआ है? हमने तो जैसे मैंने आपसे कहा, हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलाहदा किया गया? और यहाँ तक के अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है उसको अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वजीर आजम साहब से कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर जम्मू कश्मीर अगर वाकई 5 अगस्त का फैसला जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलाइदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। इफ द होल पर्पस वॉज टू ब्रिंग जम्मू एंड कश्मीर एट पार विद द यूनियन, देन सेपरेटिंग अस बाय हैविंग अ सेपरेट डिलिमिटेशन ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ 5th August. सो यू हैव टू डिसाइड इफ द आइडिया वॉज टू ब्रिंग अस एट पार देन ट्रीट अस एट पार, यू कांट ट्रीट अस एट पार इन अदर रिस्पेक्ट्स बट वेर इट सूट्स यू देन यू ट्रीट अस एज अ सेपरेट एंटिटी। उमर साहब, सर आप परिसीमन आयोग की बैठक में जाएंगे? किस चीज़ की बैठक में? उसके लिए तो फारूक साहब ने पहले ही श्रीनगर में फैसला सुनाया है कि पार्टी ने कहा है कि डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज में ना बैठने का फैसला जो है वो रिव्यू किया गया है।